हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमीपा किचन। मैं शिल्पा, सुमीपा किचन में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के लिए व्रत के लिए लेकर आई हूँ साबुदाने बड़े, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। साबुदाने बड़ों को मैंने तीन तरीके से फ्राई किया है, सेलो फ्राई, डीप फ्राई और अप्पे के पैन में फ्राई। तो आइए साबुदाने बड़े बनाना हम स्टार्ट करते हैं। साबुदाने बड़े बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में मीडियम साइज के साबुदाने लिए, दो बॉयल और मैश किया हुआ आलू लिया है, स्वाद अनुसार सेंधा नमक लिया है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, आधी चम्मच जीरा लिया है, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा तेल लिया है। अब सबसे पहले हम एक कटोरी साबुदाने को एक बाउल में लेंगे। अब इन साबुदाने में हम इतना पानी डालेंगे कि साबुदाने पूरी तरीके से डूब जाएं। अब इन डूबे हुए साबुदाने को हम आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आधे घंटे बाद इसका सारा पानी निकाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे। फिर इस साबुदाने को हम एक घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। एक घंटे बाद आप देखेंगे एक कटोरी साबुदाने फूल कर दो कटोरी हो जाएंगे। मैंने साबुदाने को पहले से गलने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं साबुदाने अच्छी तरीके से फूल गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इन साबुदाने में हम मैश किया हुआ आलू डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। आलू के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरे डालेंगे। जीरे को दोनों हाथ से मिक्स कर डालेंगे, जिससे कि जीरे का फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे। अब इनको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बड़े का एक डो तैयार करेंगे। बड़े का डो तैयार है। अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और इसके गोल और छोटे बड़े बनाएंगे, क्योंकि हम इन बड़ों को सबसे पहले अप्पे के पैन में फ्राई करेंगे, इसलिए हम 10-12 बड़े बनाकर रख लेंगे। इस तरीके से हम 10-12 बड़े बनाकर रख लेंगे। अप्पे के पैन में फ्राई करने के लिए 10-12 बड़े बनकर तैयार है। अब हम बड़ों को सेलो फ्राई और डीप फ्राई के लिए बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और बड़े को हम साइज में बड़ा बनाएंगे और हल्का सा पतला बनाएंगे, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम 6-7 बड़े बनाकर रख लेंगे। ये बड़े बनकर हमारे तैयार है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम गैस पर अप्पे के पैन को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें तेल डालेंगे, तेल को पूरे में अच्छे से लगा देंगे। तेल के गर्म होते ही इनमें बड़े को रख देंगे। अब इन सभी बड़ों को हम एक साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। एक साइड हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इनको हम पलट देंगे और दूसरी साइड हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लेंगे। दूसरी साइड से इनको गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इनको पलट देंगे और इसी तरीके से इनको एक दो बार पलट के दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इन बड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम बड़ों को सेलो फ्राई करेंगे। इसके लिए हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर पैन को गरम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल के गरम होते ही इन बड़ों को हम रख देंगे और इन बड़ों को हम दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दोनों
दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बड़ों को हम डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई को गैस पर गर्म करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इनमें हम बड़ों को डाल देंगे। इन बड़ों को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन बड़ों को हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इजी मेथड के साथ तीनों फ्राई बड़े बनकर तैयार हैं। अब आप जैसा चाहें बड़ों को फ्राई कर सकते हैं। यदि आप सभी को मेरी साबुदाने बड़े की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी रेसिपी आप सभी लोगों के पास आ जाएंगी और इसी तरीके से मैं नई नई रेसिपी आप सभी लोगों के लिए ला रही। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।